खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। आपको बताते हैं ये मिलावटखोर कैसे बनाते हैं दूध। ये है शैंपू जो नहाते वक्त काम आता है, लेकिन इससे दूध भी बनता है। कैसे, बस देखते जाइए। ये तीनों शख्स दूध बना रहे हैं। इसके लिए पहले एक बड़े से बर्तन में थोड़ा सा शैंपू डाला और फिर रिफाइंड ऑयल। देखते ही देखते ये मिक्सचर सफेद पेस्ट में बदल गया। फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूध। इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर एक बाल्टी पानी। लो, बन गया दूध। आधा किलो दूध 10 किलो में बदल गया। ऐसी ही जगहों से हजारों किलो नकली दूध हलवाइयों के यहाँ पहुँचता है और फिर इससे बनती है मिठाइयाँ। अब सुनिए ये लोग ये काम क्यों करते हैं। साहब देखो, अब एक तो नौकरी तो है ही ना जी, और दूसरी एक और बात, अब दूध के रेट कम मिल रहे हैं और कैसे भी दूध हमने के बनाना शुरू कर दें सर, या मैं कम पैसा में ज़्यादा दूध बन जावे, और वाते अपना या भी मिला दें असली भी मिला दें, दोनों ने मिला कर बेच दें, ग्रेविटी सही आ जाए और कोई पहचान ही ना सके, उतना ही मावा निकले उतना ही घी बने गोया में, और हम तो सब जगह ऐसे ही बनावे और ऐसे ही बेच दें। हाँ, दीवारी पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जावे तो असली दूध कहाँ तिला मैं, अब हलवाई मांगे हैं तो हलवाइयन को भी ऐसी दूध दे में, वो तो खुद के में जी ऐसा ले आओ कहीं से भी लाओ जी दूध हमारी पूर्ति करो, तो ऐसी पूर्ति करनी पड़े सब ना बच्चों को, वो जी खुद को कन के बालकन को कहीं को पिलाएंगे, हम अपने बालकन को थोड़ी पिलाएंगे, हम तो जो कैमे हैं वो और कहीं भी भेज दें, दिल्ली जावे खूब, हमारा कोई अभी नया थोड़ी जा रहा हो सब, दसियों साल से जा रहा हो दूध, चाय भी पियो आराम से और दूध दूध दही बढ़िया जमे साहब, दही एकदम ऐसी जमेगी कि एकदम चक्का दही जमे फर्स्ट क्लास, बाजारन में खूब गई दही चले। कितने देर में ये करीब 10 किलो दूध बन जाता है आपका? 10 मिनट में, 10 मिनट में मान लो सब काम कंप्लीट, ग्राफ्टी व्राफ्टी से सब काम से 10 किलो दूध तैयार। और कितना दूध बना लेते हैं दिन भर में? बन जाता है 1 क्विंटल के लपेट में। दूध बनाने का एक और फार्मूला है इन मिलावटखोरों के पास, और इन्हें इसके लिए आधा किलो दूध की भी जरूरत नहीं। इजी है ना, जो हम आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ इसका इस्तेमाल दूध बनाने के लिए हो रहा है। साथ में है सिंघाड़े का आटा, रिफाइंड ऑयल, खाने का सोडा, मिल्क पाउडर, ग्लूकोज और थोड़ी सी इलायची। कपड़े धोने की बाल्टी में बारी बारी से ये सब मिलाया गया। यहाँ इस सारे सामान को फेंटने के लिए एक मशीन भी है, ताकि नकली दूध को देखकर पहचाना ना जा सके। ऐसे एक एक घर में हर रोज 100 किलो तक नकली और जानलेवा दूध बनकर बाजार में पहुंचता है। ये सारा दूध हलवाई के यहाँ मिठाई बनने के लिए ही नहीं जाता, हमारे और आपके घरों में भी पहुंचता है, चाय बनाने से लेकर बच्चों को पिलाने तक के काम आता है। लेकिन इन्हें इस सबसे क्या मतलब, अपनी जेब गर्म होनी चाहिए, चाहे कोई मरे या जिए। ऐसे मुझे बनवाते बनवाते करीब करीब 15-20 साल हो गए, और ये फॉर्मूला मैंने उस वक्त सीखा था जब ये डेयरी वालों ने इसको बनाना शुरू किया था, और दूध की कमी होती चली गई, दूध की कमी को देखने के बाद में इसका इसकी और ज्यादा प्रोग्रेस हो गई, और प्रोग्रेस होने के बाद में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि त्योहारों पर तो इतनी डिमांड बढ़ती है कि इसका मावा बनता है, और मावा बुलंदशहर से बनकर सिकंदराबाद से बनकर सीधा दिल्ली जाता है, जिसमें जो क्या नाम है रास्ते में जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सब पैसे के बल पर सॉल्व हो जाती हैं। पहचान करके कोई नहीं बता सकता ये दूध असली है कि नकली है। इसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा है, तो भी बन जाता है, चाय बना कर पीजिए, दूध पीजिए, वैसे ज्यादा शरीर को नुकसान तो है ही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुनाफा अच्छा है क्योंकि महंगाई का समय है। वैसे तो ये काला धंधा साल भर चलता है, लेकिन दिवाली के वक्त जब दूध की मांग आसमान छू रही होती है, तब इस गोरख धंधे में और तेजी आ जाती है। कमाल ये है कि दूध की गुणवत्ता मापने वाली ये मशीन भी कई बार इनके आगे नाकाम हो जाती है। बिना मिलावट के दूध की ग्रेविटी 26 आनी चाहिए, लेकिन मिलावट इस तरह से होती है कि नकली दूध की ग्रेविटी भी 26 के आसपास होती है, कभी कभी तो 28 भी हो जाती है, और अफसोस जनता समझती है कि ये तो प्योर दूध से भी प्योर है। सफेद दूध का काला कारोबार, ये सिलसिला चला तो सालों से आ रहा है, लेकिन खास करके दिवाली के वक्त में इनकी मांग काफी बढ़ जाती है, और इससे बने मेवे और मिठाइयां हमारे और आपके घर में पहुंचती हैं।
इसका कारोबार करने वाले लाखों का मुनाफा कमाते हैं बिना इस बात की फिक्र किए कि हमारे और आपके सेहत पे इसका कितना बुरा असर हो रहा है। बुलंदशहर से मनीष और मदनलाल के साथ शारिक खान, एनडीटीवी इंडिया।